दोस्तों, दुनिया की सबसे ठंडी जगह जहाँ पर लगभग सारी चीजें जम जाती हैं और यहाँ पर इतनी ज्यादा बर्फ पड़ती है कि लोग सालों भर सिर्फ बर्फ हटाने का ही काम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह जगह पूरा का पूरा एक राज्य है जो रूस में आता है, यानी दुनिया के सबसे बड़े देश का सबसे बड़ा हिस्सा। यह है साइबेरिया। सर्दियों के दौरान पड़ने वाली कठोर ठंड के कारण इसके नाम से ही कपकपी छूट जाती है। दुनिया के सबसे बड़े देश रूस के उत्तर में स्थित भाग को साइबेरिया कहा जाता है, जो कि इस देश का 76% हिस्सा है। रूस की जनसंख्या का लगभग 27%, यानी कि लगभग 3.5 करोड़ लोग साइबेरिया के खून जमा देने वाली इस ठंडी जगह पर रहते हैं, जो धरती का सबसे कम घनत्व वाला एरिया भी माना जाता है। साइबेरिया में इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है कि सर्दियों में यहाँ का तापमान 0 डिग्री से लेकर -60 डिग्री तक चला जाता है, यानी मंगल ग्रह से भी ज्यादा ठंडा। अब जरा सोचिए, जो इलाका मंगल ग्रह से भी ज्यादा ठंडा होगा, वहाँ के लोग भला कैसे अपना जीवन बिताते होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे ठंडी गांव ओमियाकोन की, जो कि रूस की साइबेरिया में स्थित है, जिसे दुनिया के सबसे ठंडी जगहों में से एक माना जाता है। अब जरा उन परेशानियों को भी समझ लीजिए जो यहाँ के लोगों को हर दिन उठानी पड़ती है। यहाँ ठंड इतनी ज्यादा है कि पेन की इंक भी जम जाती है। कहा जाता है कि यहाँ गाड़ी का बैटरी भी कोई काम नहीं करता। दोस्तों, यही कारण है कि यहाँ पर खड़ी पार्किंग में गाड़ियाँ भी स्टार्ट करके रखनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर गाड़ी को बंद कर दिया जाए तो उसका इंजन जम जाएगा। सर्दियों में यहाँ 20 घंटों तक अंधेरा छाया रहता है, जिस वजह से यहाँ पर कोई भी फसल नहीं उगता। इसीलिए यहाँ के लोगों के भोजन का मुख्य स्रोत घोड़े की मीट खाकर ही रहते हैं। यहाँ पर रहने वाले लोगों की जिंदगी किसी कठिन चुनौती से कम नहीं। दोस्तों, साइबेरिया न केवल अपनी ठंड के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलती। साउथ ईस्ट साइबेरिया में लेक बैकाल दुनिया का सबसे पुराना, सबसे गहरा और दुनिया का सबसे ज्यादा मीठा पानी का भंडार है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, साइबेरिया के अतीत में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को हैरान कर डाला है। ऐसी ही सबसे फेमस घटनाओं में से एक है तंगुस्का इवेंट। यह बात है 30 जून 1908 की। तंगुस्का रिवर के समीप हर दिन की तरह जीवन समान रूप से चल रहा था। जंगल के उस हिस्से में रात के समय जीव जंतु सोने के लिए आए थे और दूसरे जानवर अपने सुबह का भोजन ढूंढने के लिए निकले थे, लेकिन उन प्राणियों को ये पता न था कि वह सुबह उनके जीवन का आखिरी सुबह है, क्योंकि उसी सुबह उस क्षेत्र में धरती से 8 किलोमीटर ऊपर उल्का पिंड के गिरने से एक भयानक विस्फोट हुआ, जिसके कारण नीचे का हिस्सा तबाह हो गया। ये धमाका इतना बड़ा था कि 2000 किलोमीटर तक जंगल में जितने भी पेड़ थे सब टूटकर बिखर गए। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि इस धमाके से इतनी ऊर्जा पैदा हुई थी कि हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से 300 गुना ज्यादा थी। दोस्तों, यह घटना तंगुस्का नदी के आसपास होने की वजह से इस घटना को तंगुस्का इवेंट कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। चलिए तो आपसे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।